राही मन व दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। साथियों ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये दुख अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जितना चुनाव नज़दीक आते जा रहा है उतना ही सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना कहा वादा अभी तक पूरा नहीं किया है अन्वेषक और शिक्षा मित्रों के लिए, जो कि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम समान कार्य समान वेतन देंगे। और अन्वेषकों के लिए सरकार ने खुले मंचों से कहा था कि हम जल्द उनके लिए कुछ कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मानदी वृद्धि भी बीच में अभी हुई थी लेकिन उसका भी कोई खुलासा नहीं किया गया है, सस्पेंस में है। जब शिक्षक कार्य समान तब वेतन क्यों आसमान। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्या है खास, चलते हैं आगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि जल्द एक मीटिंग हुई थी अभी, और उसमें शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया था, जैसे अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर, उनके नियमितीकरण को लेकर, क्योंकि सरकार बड़े बड़े वादे कर चुकी थी और इलेक्शन नज़दीक आते जा रहा है, उसके लिए उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यपाल जी से मिलकर बैठक की थी, और बीच का रास्ता निकालते हुए अपने वोट बैंक पर असर ना पड़े ऐसा कुछ खास निर्णय लिया था। लेकिन क्या निर्णय है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, अभी भी उसको उजागर नहीं किया गया है। और मानदेय वृद्धि भी हुई थी उसमें भी अभी कुछ क्लियर नहीं किया है, किसी भी मंच से अभी संबोधन नहीं किया है सरकार ने, जबकि अन्य लोगों का जिनका मन बढ़ गया है मानदेय उनका बता चुके। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में जो कार्यरत हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, उनका मानदेय वृद्धि का भी खुलासा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है साथियों। कब होगा वो खुलासा, क्या आने वाले समय में आचार संहिता लगने से पहले होगा या नहीं होगा, अभी भी सस्पेंस में रखा है हम लोगों को, संविदा कर्मियों को साथियों। लेकिन हमें सब्र रखने की ज़रूरत है, जैसा कि हम पूर्व से रखते चले आए हैं। धैर्य हम लोगों से ज़्यादा कौन रख सकता है ये जग जाहिर है साथियों। थोड़ा और हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, चुनाव नज़दीक है, सरकार प्रेशर में है कि वो किसी तरीके से शिक्षा मित्र अन्वेषक एवं अन्य जो हमारे संविदा कर्मी भाई बहन हैं उनके ध्यान में कुछ फैसला कर सके, इसके लिए वो सक्रिय रूप से इस समय मीटिंग्स कर रहे हैं। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, क्या है। प्रदेश के 737 केंद्रों पर आज जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा। प्रयागराज समाचार। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की कमी जल्द ही कम होने वाली है। प्रदेश में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों के लिए परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। प्रदेश के मंडलों के लिए जिला मुख्यालयों पर 737 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में कराई गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 तक होगी हुई, जिसमें सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 3 बजे तक हुई, जिसमें सिर्फ प्रधानाध्यापक पद अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा में सहायक अध्यापक पद के 3,32,196 एवं प्रधानाध्यापक पद के लिए 19,447 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा नियमावली प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय के मुताबिक परीक्षा संपन्न कराने के बाद उत्तरमाला वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। साथियों ये ब्रेकिंग न्यूज आज की शिक्षा विभाग से आप तक। मिलते हैं किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।